हेलो गाइस, मैं वंदना आपकी फिटनेस कोच आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज लेके आई हूँ जो कि आप बहुत आसानी से अपने बेड पे बैठे बैठे किसी भी टाइम कर सकते हो। अब आपको कोई भी बहाना नहीं चलेगा। तो आप ये सिंपल एक्सरसाइज मेरी देखकर अपने आप को फिट स्लिम और स्मार्ट बनाइए। तो हमारा करवा चौथ भी आने वाला है, तो उसके लिए मैं आपके लिए सिंपल और इफेक्टिव एक्सरसाइज लेके आई हूँ। स्पेशली आपके पेट के लिए बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, तो आप ये एक्सरसाइज सिंपल करिए और अपने आप को फिट स्लिम और स्मार्ट बनाइए। और वीडियो को पूरे एंड तक देखिए, स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक्सरसाइज को ध्यान से सुनना कि मैं आपको क्या बता रही हूँ, किस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है। तो मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज जो बताने वाली हूँ, इस तरीके से आपको स्ट्रेट अपनी कमर को रखते हुए इस तरीके से बैठना है। स्ट्रेट बिल्कुल ऐसे नहीं, आपको सीधे बिल्कुल स्ट्रेट अपनी कमर को रखना है इस तरीके से। और आपको फर्स्ट एक्सरसाइज कैसे करनी है, अपने एक हाथ को अपने इस घुटने पर रखना है और दूसरे हाथ को बिल्कुल पीछे ले जाना। अपने हाथ को पीछे ले जाओगे, उसी तरीके से अपनी नज़रों को भी बिल्कुल पीछे ही ले जाना। और ध्यान रखना, कमर बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। हमारी कमर स्ट्रेट रहेगी तो हमारे जो पेट की मसल्स हैं वो खिंचेंगी, तो हमारे एक्सरसाइज के आपको फ़ायदे दिखेंगे। तो हमारे जो एक्स्ट्रा चर्बी जो लटकती है पेट पे, जो हमारी मसल्स खिंचेंगी, तो वो धीरे धीरे एक्सरसाइज के फ़ायदे होंगे, तो हमारा पेट एकदम अंदर होता चला जाएगा। तो आप ध्यान रखना, अपनी कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना और अपने एक हाथ को इस पैर पर रखते हुए और आपको इस तरीके से ले जाना, पीछे ले जाते हुए नज़रों को भी पीछे ले जाना है और कुछ सेकेंड के लिए होल्ड रखना है। इस तरीके से आपको अपनी नसों को पीछे लेना है। इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट रखना है कमर को, और कम से कम आपको 20-20 बार करना है, मैं आपको बता रही हूँ। और आपको 20 सेकंड या 5 सेकंड तक होल्ड भी रखना है। होल्ड रखने से हमारी पेट की मसल्स है ना, वो खींचती हैं। इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से आपको 10 सेकंड या 5 सेकंड तक पीछे होल्ड रखना है। अपने हाथ के साथ अपनी नज़र को भी पीछे ले जाना है। और आप देखना, अपनी कमर को स्ट्रेट रखोगे तो आपकी जो पेट की मसल्स हैं वो खिंचेंगी, तो हमारे जो एक्स्ट्रा फैट को घटाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे इस एक्सरसाइज को करने से। तो आप बेड पर बैठे बैठे भी इस एक्सरसाइज को बहुत आसानी से कर सकते हो। आपको पता है, हमारी बॉडी में जो पेट पर जो एक्स्ट्रा फैट बहुत जल्दी बढ़ता है, तो हमारे जो पेट पे एक्स्ट्रा फैट बहुत गंदा लगता है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। कंटिन्यू कम से कम 20-20 के 2-3 रेप जरूर लगाएं और आप देखना कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आगे आपको क्या करना है, आगे आपको मैं जो एक्सरसाइज बताने वाली हूँ, चक्की आसन, जो एक्सरसाइज जो हम पहले घरों में जो चक्की पीसने वाली चक्की होती थी ना, उसी तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। इस तरीके से आप अपने हाथों को पैरों के ऊपर से लाते हुए घुटनों से पीछे इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5। ध्यान देना घुटनों से ऊपर इस तरीके से, घुटनों के ऊपर से अपने हाथों को पूरे घुमाते हुए ले जाने इस तरीके से। देखना कि आपके जो पेट के मसल्स हैं कितनी, पेट के मसल्स खिंचेंगी। आप देखना कि आपके पेट की चर्बी कब गायब हो जाएगी, आपको खुद नहीं पता चलेगा। इस तरीके से आपको कम से कम 20-20 की 2-3 टाइप लगाना।
ध्यान रखना आपको, मतलब ये समझो कि आप ये 10 या 20 बार करके अपने पेट को मतलब जीरो कर दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको कम से कम 20-20 के 2 से 3 रेप जरूर लगाने होंगे। ध्यान रखना आप, हम आगे जो एक्सरसाइज बता रही हूँ वो भी बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। आपको इस तरीके से अपने पैरों को सीधा रखना है और अपने हाथों को इस तरीके से पीछे ले जाना है। ध्यान रखना, इस तरीके से पीछे ले जाते हुए अपने हाथों से पैरों से टच करना है, इस तरीके से, इस तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से। और मैं आपको एक और बहुत बेस्ट टिप्स बताती हूँ आपको क्या करना है। एक्सरसाइज करते टाइम आपको लंबी गहरी सांस लेनी है इस तरीके से, इस तरीके से छोड़नी है, नीचे आते टाइम छोड़नी है और ऊपर जाते टाइम आपको लंबी सांस लेनी है। इस तरीके से लंबी गहरी सांस लेने से और छोड़ने से हमें एक्सरसाइज करते हैं ना, इतना हमें एक्सरसाइज करने से फ़ायदा होगा ना, उतना ही हमें ये लंबी गहरी सांस एक्सरसाइज करते टाइम लेने में छोड़ने में, लेते हैं छोड़ते हैं उससे होता है। मतलब हमारा ये बराबर का मतलब साथ देता है। एक्सरसाइज करते हैं हम और ये एक्सरसाइज करते टाइम हम करते हैं ना, वेट लॉस के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो आप ध्यान रखना, एक्सरसाइज करते टाइम आपको लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है, बहुत बेस्ट है वेट लॉस के लिए। तो हम आगे जो एक्सरसाइज में बता रही हूँ बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, मेरी वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना और ध्यान से वीडियो को देखकर एक्सरसाइज करना। आप देखना कि आपको कितनी बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। आप बेड पर बैठे बैठे भी कर सकते हो, आपको अब आपका कोई भी बहाना नहीं चलेगा। तो ये सिंपल एक्सरसाइज जरूर करें और अपने आप को फुल स्लिम और स्मार्ट जरूर बनाएं। तो आपको ये आगे एक्सरसाइज कौन सी करनी है, इस तरीके से अपने पैरों को, इस तरीके से अपने पैरों को चौड़ाना है और आपको 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 12, 4, 3, 2, 1, इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। जब काउंटिंग करने में थोड़ी गलती हुई, कोई नहीं, आप कम से कम हर एक एक्सरसाइज को 20-20 के 2 से 3 रेप जरूर लगाना, कम से कम 50 से 100 बार हर एक एक्सरसाइज करना, क्योंकि बहुत ही सिंपल और इजी एक्सरसाइज होता है। आप बेड पर बैठे बैठे भी एक्सरसाइज कर सकते हो और मैंने बहुत सारी वीडियो पोस्ट की है, उनको भी देखकर आप अपने आप को फिट स्लिम और स्मार्ट बना सकते हो। हर कोई चाहता है कि हम बहुत ही